अस्सलामुअलैकुम रक्षी के किचन में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। मेरा नाम रुखसाना बरोई है और आज मैं आप लोगों के सामने मूंगफली की चटनी शेयर कर रही हूँ जो हमारे यहाँ पसंद की जाती है। तो इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैंने आधी घड़ी मैंने लहसुन की ली है, मैंने तकरीबन 8-10 मैंने साबुत लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 मैंने बड़ी हरी मिर्च ली है और हरा धनिया लिया है मैंने। ये मेरे पास डीप फ्रीज़र है, फ्रीज़र किया हुआ है, तो फ्रीज़र आपके पास अगर फ्रेश हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है और मैंने आधा कप तकरीबन मैंने मूंगफली ली है और इसमें इमली जाएगी, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर मूंगफली के अंदर जाती है और बड़े यकीन कर बड़े मज़े की बनती है अगर आप इसको ट्राई करेंगे। लोग अपने डिफरेंट किस्म की रेसिपी शेयर करते हैं, मुझे पता है काफ़ी लोगों ने ये रेसिपी शेयर की है तो मैं अपने तरीके से शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे फ्राई पैन रख दिया है और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच मैंने तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ऑयल का शामिल किया है मैंने। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें डालूँगी जिसमें हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च जो मैं साबुत लाल मिर्च डालूंगी इसके अंदर और लहसुन को मैं हल्का सा इसको मैं अंदर भूनूंगी। कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दी है, मूंगफली, हरी मिर्च, साबुत लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और लहसुन और नमक अभी मैं इसमें डाला। अभी इसको मैं हल्का सा मैं ज़्यादा उसको नहीं करना, मुझे हल्का सा मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको हम तकरीबन 2 मिनट के तक मैं इसको भूनूंगी। अभी मैं इसको मैं पीस रही हूँ चटनी को, क्योंकि मैंने इसमें सब चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई थी वो सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और मैं तकरीबन 1/2 कप पानी का मैंने इसमें शामिल कर दिया। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इस मज़ीद इसमें पानी शामिल करूँगी। चटनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है और यकीन जाने बहुत मज़े की बनी है। मैंने चखा और सब कुछ परफेक्ट था, इसके अंदर मिर्च और नमक का हर चीज़ बैलेंस थी। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा कि भी आपको मेरी चटनी मूंगफली की चटनी कैसी लगी। और अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ और फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर होती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।